हाँ जी की मिनी मधुबन में कैसे आप जन्मस्थ थे वैश्वर आया और जितना मिनी मधुबन के पास है और क्लास करने को जा सकते हैं। बाबा का क्लास करने के लिए जा सकते हैं कहाँ अनंतपुर कैसा है वैश्वर आया कोई नजदीक में कितना पास चला हो जिसने भी भट्टी की हुई है और जो रेगुलर कहीं भी गीता पाठशाला में या मिनी मधुबन में क्लास करते हैं वो ऑल इंडिया के किसी भी मिनी मधुबन में या गीता पाठशाला में क्लास करने जा सकते हैं लेकिन उसका प्रूफ चाहिए तो अपने क्लास टीचर से लिखवा के ले जाइए। और कहा जाता है आत्मा ही बात करती है आत्मा ही बोलती है तो मेरी आत्मा ऐसा कहना तो राम हो जाता है। ये देह अभिमान में बोला जाता है मेरी आत्मा बोलने वाला देह अभिमानी में बोल रहा है अपन को देह समझ के बोल रहा है या आत्मा अभिमानी बन के बोल रहा है। कौन बोल रहा है आत्मा कहाँ बोल रहा है फिर मेरी का सवाल कहाँ पैदा होता है मैं खुद ही आत्मा हूँ। बात करते हैं मेरी आत्मा हाँ तो बात करने वाला रंग बात कर रहा है ना मेरी आत्मा तो हमको कहना चाहिए मैं आत्मा हाँ जी बोलने से ही पता लगता है कि देव आने में बोलता है या आत्माभिमानी में बोलता है। हमको कहीं तक मालूम पड़ता है हम ठीक तरफ से याद कर रहे हैं हम ठीक तरफ से याद कर रहे हैं हमको कहीं तक मालूम पड़ता है जो याद में टिक जाएगा अच्छी तरह याद में टिका हुआ होगा तो उसकी निशानी मुरली में बताई है उसके नेत्र एक टिक हो जाएंगे। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई गहरी याद में होता है तो उसके नेत्र एक टिक हो जाते हैं। और इसी तरह से याद करना और एक बार फिर एक टाइम ठीक तरह से याद करना और एक बार प्लीज है रोज तो बताते हैं पहले अपनी आत्मा को स्थिर करो मैं आत्मा स्टार हूँ जब ये याद थोड़ी स्थिर होने लगे तब बाप को याद करो जो निराकार बाप साकार में आया हुआ है निराकार और साकार के मेल को ही बाबा कहा जाता है। अगर मेल न हो निराकार ज्योति बिंदु शिव का तो उसे बाप कहेंगे या बाबा कहेंगे है बाप ही कहा जाएगा। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है उसको अपना शरीर नहीं है वो आत्मा संबंध के हिसाब से बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है बाबा नहीं है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है तो शिव ज्योति बिंदु से कोई दूसरा संबंध नहीं जुड़ता जब तक वो शरीर में प्रवेश न करे। शरीर में प्रवेश करने के बाद अनेक प्रकार के संबंध जोड़े जा सकते हैं। और इस शरीर पंचतत्व से बना है। इसमें पंचकोश है, यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसका आस्था क्या है और विवरण उस शास्त्रों की बातों में जाने की जरूरत क्या है? ये शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं, बाबा ने तो सीधी सीधी बात बता दी। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा 5 तत्वों से बने हुए शरीर में प्रवेश करती है। ये 5 तत्व इस दुनिया के हैं। इस दुनिया में ही आकर के आत्मा 11 इंद्रियों को धारण करती है। 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन के बगैर कोई भी इंद्रिय अपना कर्म साबित नहीं कर सकती, कर्म बनता ही नहीं जब तक मन सहयोग न दे। इसलिए बाबा मन को ही कंट्रोल करना सिखाते हैं। साधु सन्यासियों ने इंद्रियों को कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि मन रेव आत्मा कैसे है। बाबा ने आकर के बताया कि न 10 इंद्रियों पर आत्मा का कंट्रोल होता है, और आत्मा मन बुद्धि को ही कहा जाता है। बस सीधी सीधी बातों को पकड़ना है, सहज ज्ञान को पकड़ना है, टेढ़ी मेढ़ी बातों में नहीं जाना है। ये शास्त्रों में सब टेढ़ी मेढ़ी बातें बताई है। और ये वही का सवाल है, यादों और मोरों में कौन ऊंचा है? यादव किसके बच्चे हैं? कौरव किसके बच्चे हैं? यादवों का हेड है शंकर, यादव कृष्ण के बच्चे। जो यादव हैं, जो कौरव हैं, वो दोनों ही देह अभिमानी हैं या आत्माभिमानी हैं? दोनों ही देह अभिमानी हैं। और देह अभिमानियों की पैदाइश किससे होगी? आत्माभिमानी बाप से होगी या देह अभिमानी से होगी? देह अभिमानी से पैदाइश होती है देह अभिमानियों की। तो देह ऊंचा, देह अभिमान ऊंचा या आत्मा ऊंची, आत्माभिमान ऊंचा? तो बाप है आत्माभिमानी, सदा सर्वदा का आत्माभिमानी, और रावण है देह अभिमानी, सदा सर्वदा का देह अभिमानी है या आधा कल्प का देह अभिमानी है? आधा कल्प का देह अभिमानी है। परंतु जो भी दुनिया में देह अभिमानी है अथवा जो भी आत्मा अभिमानी है, उन दोनों का बाप कौन है? आत्माभिमानियों का भी एक ही बाप है। जो आत्माभिमानी मनुष्य हैं, और देह अभिमानी मनुष्यों का भी एक ही बाप है। कौन है? प्रजापिता। इसलिए बोला कि राम ही राम बनता है और राम ही रावण बनता है। आत्माभिमानियों के लिए जीत पहनाने के लिए राम राम है और देह अभिमानियों को हार दिखाने के लिए वो राम को रावण बनना पड़ता है। जो बाप मुरली में कहते हैं शिव बाप, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? है परमधाम आत्माओं के लोक का रहने वाला हूँ। तो जो आत्माओं के लोक का रहने वाला है, सदैव आत्माभिमानी है, उसको देह अभिमान की दुनिया अच्छी लगेगी या आत्माओं की दुनिया अच्छी लगेगी? इसलिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? हैं? देह अभिमानियों की दुनिया में आना पड़ता है। और किस में आता हूँ? आत्माभिमानी में आता हूँ भैया, बड़े से बड़े देह अभिमानी में आता हूँ, बड़े से बड़े पतित में आता हूँ या आत्माभिमानी में आता हूँ? दुनिया का जो बड़े से बड़ा पतित है, बड़े से बड़ा देह अभिमानी है, उसमें आना आता हूँ। और क्या करता हूँ? उस देह अभिमानी को, उस दुनिया के बड़े से बड़े कांटे को क्या बनाता हूँ? बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। इसलिए पांडव किसके बच्चे हैं? है? पांडव कौन सी आत्मा के बच्चे हैं? और यादव कौरव कौन सी आत्मा के बच्चे हैं? है? पांडव हैं पंडा के बच्चे। पंडा माने रास्ता बताने वाला, सारी दुनिया को रास्ता बताता है। राक्षस हो या देवता हो या मनुष्य हो, जानवर हो या कीड़े मकोड़े की आत्मा हो, सबको रास्ता बताने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है या जो जन्म मरण के चक्र में कभी आती नहीं वो आत्मा है? है? सब आत्माओं की सदगति करने वाला कौन है? मुक्ति देने वाला कौन है? एक ही आत्माओं का बाप है, वो पांडवों का भी बाप है, यादवों कौरवों का बाप है या नहीं? है? 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 नहीं है? है? वो शिव बाप जो ज्योति बिंदु है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, सदैव आत्माभिमानी है, वो पांडवों का बाप है या यादवों कौरवों का भी बाप है? है? सिर्फ पांडवों का बाप है, क्योंकि रचना वो है जो रचयिता के कंट्रोल में हो। तो कंट्रोल में यादव कौरव रहते हैं, श्रीमत पर यादव कौरव चलते हैं, पंडा के बताए हुए रास्ते पर पांडव चलते हैं या यादव कौरव भी चलते हैं? पांडव चलते हैं। तो जो बाप के बताए रास्ते पर चलते हैं वो बाप के बच्चे हैं, वो ही आत्माभिमानी बनते हैं, वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। उसके बाद जो भी जनरेशन आती है कम जन्म लेने वालों की, वो पंडा बाप के बच्चे नहीं है, किसके बच्चे हैं? है? धृतराष्ट्र के बच्चे, धृतराष्ट्र के बच्चे हैं। प्रजापिता धृतराष्ट्र कहेंगे, हैं? कौरव यादव किसके बच्चे हैं? धृतराष्ट्र भी कौरवों की श्रेणी में था या नहीं था? धृतराष्ट्र भी कौरवों की श्रेणी में था, भीष्म पितामह भी कौरवों की श्रेणी में थे, बलराम कौन सी श्रेणी में था? यादवों की श्रेणी में था। तो जो भी यादव या जो भी कौरव हैं वो किसकी संतान है? है? प्रजापिता की संतान है। शिव बाप की संतान नहीं है। इसलिए बोला कि प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? प्रजापिता पतित का नाम है और शंकर को पतित नहीं कहेंगे। शंकर तो पावन है। हाँ, जो पतित है वो याद के पुरुषार्थ से क्या बन जाता है? पावन बन जाता है। और बलराम तो यादव है, तो कृष्ण तो क्या है बाबा? हैं? कृष्ण क्या होगा? वो भी यादव है। जिसको आप कृष्ण कहते हैं उसको बाबा ने क्या बताया? भूल गए? है? जिसको आपने कृष्ण कहा, कृष्ण के बारे में कथाएं सुनी हैं शास्त्रों में, उसको बाबा ने क्या बताया? है? वो किसकी कथा है? हैं? अरे वो सारी कथा किसकी है? शिव बाबा की कथा है। वो कृष्ण नहीं है भगवान। कौन भगवान है? शिव बाबा भगवान है। इसलिए उसको यादव नहीं कहेंगे। और बाबा खेती करने वाले अपने जमीन से 7-8 बार बोरवेल निकलाने पर भी पानी नहीं आई, इसलिए सिर्फ एक बार जमीन खोदने से प्रकृति को हानि पहुँचेंगी। क्या खोदना ठीक है या नहीं बाबा? क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ सुना, आप उधर हैं। हाँ। हाँ, पानी नहीं निकलता। हाँ, क्या बोल रहे? प्रकृति को नष्ट पहुँचाते हैं क्या और एक बार खोदने से? हाँ, 8 बार खोदा तो प्रकृति को और नुकसान नहीं किया? फिर 8 बार खोदा तो भी नुकसान किया, और 9वीं बार खोदा जिसमें पानी निकल आया तो भी प्रकृति का तो नुकसान ही है। और अगर दरख्त की सफेद कमल फूल में दिखाते हैं, लक्ष्मी को लाल कमल फूल में दिखाते हैं, इसका अर्थ। जो सरस्वती है वो सात्विकता की निशानी है। लक्ष्मी भी सात्विक है, लेकिन गुलाबी रंग है। वो गुलाबी रंग कहो, पीत कमल कहो, बात एक ही हो जाती है। पीला रंग भी सत्य की सात्विकता की निशानी है। जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर कौन सा रंग देखने में आता है? पीला रंग ही देखने में आता है। ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु कौन सी मानी जाती है? बसंत ऋतु मानी जाती है। ये बसंत ऋतु है सतयुग का आदि, जबकि चारों ओर संसार में फूल ही फूल खिल जाते हैं और सारे ही फूल सात्विक होते हैं। और उसका अर्थ लगाते हैं त्रिमूर्ति, यानी ओम। और अब हम कहेंगे ओम नमः शिवाय, तो क्या हम ये समझे कि त्रिमूर्ति ओम ना, यह भी कहा जाता है ना, ओम का अर्थ है मैं आत्मा। तो ये इसमें कौन सी सही होती है कि त्रिमूर्ति शिव को नमन कर रहे हैं या मैं शिव को नमन कर रहा हूं? ओम वास्तव में कहा जाता है स्थापना, पालना और विनाश करने वाले को। और वो स्थापना, पालना, विनाश हर आत्मा करती है, परंतु उन आत्माओं में शिव की आत्मा सर्वोपरि है, उसको नमन। जैसे कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो शिव ऊंच से ऊंच आत्मा है, स्थापनाकारी, पालनाकारी और विनाशकारी। और बाबा कहते हैं माँ को भी अडॉप्ट किया है तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु तो महिमा सारी छोटी माँ की है, इसका थोड़ा समझाएंगे। बाप ने अडॉप्ट किया है, किसके द्वारा है? ब्रह्मा के द्वारा। बाप ने अडॉप्ट किया है बड़ी से बड़ी माँ के द्वारा। माँ की विशेषता होती है सहन करना। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें सबसे जास्ती किसने सहन किया? ब्रह्मा ने सहन किया। तो ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए इस ब्रह्मा के कार्य को करने के लिए किसको रखा? सरस्वती को रखा हुआ है। वो सरस्वती ही फिर कोई माता में प्रवेश करती है, उसको छोटी माता कहा जाता है। जो छोटी माता है वो ही लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी का पद ऊंचे से ऊंचे है। सरस्वती को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हैं? लक्ष्मी बनना। नारी है तो लक्ष्मी बने, और माता गुरु बिगड़ नहीं हो सकते। हाँ, माता गुरु में जगदम्बा या लक्ष्मी माँ दोनों में कौन सी माँ बड़ी है, बड़ा काम करती है? है, लेकिन माता गुरु दो होती है। परिवार में भी दो माताएं होती हैं। कौन कौन सी दो माताएं? छोटी माता और बड़ी माता। बड़ी माता को दादी अम्मा कहते हैं और छोटी माता को माँ कहते हैं, लक्ष्मी कहा जाता है। राज परिवारों में बड़ी माता को ऊंची गद्दी देते थे, परंतु राजकाज कौन संभालती है? बड़ी माता संभालती है या छोटी माता संभालती है? तो ज्यादा सर्विसेबल कौन हुई? परिवार की ज्यादा सर्विस करने वाली माता कौन सी हुई? छोटी माता हुई। जो ज्यादा सर्विस करते हैं उन्हीं का ऊंच पद होता है, जो कम सर्विस करते हैं उनका ऊंच पद नहीं होता है। इसलिए जगदम्बा सरस्वती के छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, छोटी सी मूर्ति स्थापन की जाती है, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी की बड़ी मूर्ति और बड़ा मंदिर बनाया जाता है। किस लिए? बड़ा काम किया है तो बड़ा मंदिर है, और उन्होंने छोटा काम किया है तो छोटा मंदिर है। बड़ा काम क्या होता है, छोटा काम क्या होता है? एक होता है सुनना और सुनाना, एक होता है बोलना और दूसरों से बुलवाना, और एक होता है समझना और दूसरों को समझाना। तो छोटी माँ ने क्या किया और बड़ी माँ ने क्या किया? बड़ी माँ को वाक देवी भी कहा जाता है। वाक माने वाचा की देवी। जगदम्बा है या लक्ष्मी है? कौन है वाचा की देवी? है जगदम्बा है। जहाँ बोलने की बात आती है तो बोल बोल में उससे कोई नहीं जीत सकता। परंतु क्या समझती भी है? है? समझती नहीं है। समझने और समझाने में लक्ष्मी आगे जाती है। इसलिए छोटी माता होते हुए भी उसकी ज्यादा पूजा होती है, ज्यादा बड़े मंदिर बनते हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी क्या है? जगदम्बा बनना लक्ष्य है या लक्ष्मी बनना लक्ष्य है? लक्ष्मी बनना लक्ष्य है। ये लक्ष्य जानवरों का है या मनुष्यों का है? मनुष्य समझ सकता है और मनुष्य समझा सकता है। ये समझने और समझाने का काम मनुष्यों का है। तो समझ लिया और समझा दिया, तब धारणा करने की बात आती है। सिर्फ सुन लिया और सुना लिया, बोल बोल कर लिया और दूसरों को बोल बोल करना सिखा दिया, लेकिन समझा और समझाया नहीं। तो धारणा में नहीं आ सकता। धारणा करने पर देवता बनेगा या सिर्फ सुनने और बोलने से देवता बनेगा? सुनने से और बोलने से नंबरवार ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण सो देवता नहीं बनेंगे। और जब तुम बुलाएंगे, तुम तो बुलाते ही नहीं। हाँ, जगदम्बा छोटी काम करती है ना? जगदम्बा छोटी काम करती है ना? हाँ। तो भी बड़ी माँ समझते है ना? हाँ। कैसे? हाँ, बड़ी माँ छोटी माँ समझते है ना? क्यों? क्योंकि लंबे समय तक काम किसने किया है? बड़ी माँ ने काम किया, तो उनको बड़ी माँ कह देते हैं। कह देने की बात अलग और बड़ा हो जाना बात अलग। और बाबा जगदम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। हाँ। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। हाँ। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। हाँ। तो मम्मा भी रचयिता है और पिता भी। मम्मा भी रचयिता है, लेकिन किसका रचयिता है? किसको रचता है? जगदम्बा और जगत पिता रचते किसको हैं? देवताओं को रचते हैं या ब्राह्मणों को रचते हैं? किसको रचते हैं? ब्राह्मणों को रचते हैं, देवताओं को नहीं रचते हैं। और यज्ञ के आए थे, यज्ञ के आदि में यज्ञ पिता यज्ञ छोड़ कर चले गए, उनके पीछे पीछे पूरे वंशी बच्चे ही नंबरवार चले गए। संख्या कितनी थी? जो सूर्य के बच्चे होंगे वो सूर्य के पीछे जाएंगे, और चंद्रमा के बच्चे चंद्रमा के पीछे पीछे जाएंगे। जो ज्ञान सूर्य है उनकी संख्या अनेक होती है, या जो उपग्रह चंद्रमा है उनकी संख्या अनेक हो सकती है, उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है, और ग्रह 9 हैं, उनसे टूटे हुए हिस्से उपग्रह कहे जाते हैं। सूर्य एक है और उपग्रह अनेक हैं, ग्रह भी अनेक हैं। तो ताकतवर अनेक होते हैं या कम संख्या में होते हैं? तो ज्ञान सूर्य एक है, ज्ञान सूर्य के बच्चे भी थोड़े हैं। जो बहुतों की संख्या होती है वो पावरफुल नहीं होते हैं। पांडव कितने होते हैं? 5 होते हैं, और कौरव यादव ढेर के ढेर होते हैं। तो संख्या को पकड़ना है या ऊंचाई को पकड़ना है? ऊंचाई को पकड़ना चाहिए। कितने होते हैं सूर्यवंशी बच्चे? हैं? 2.25 लाख होते हैं, क्योंकि जो 2.25 लाख होंगे वो तो चंद्रवंश से आने वाले होंगे। विजयमाला कौन से वंश से आएगी? चंद्रवंश से आएगी। उनकी संख्या कितनी होगी? 2.25 लाख होगी। और शंकर विनाश करा, और थोड़ा जोर से शंकर विनाश कराता है तो पाप नहीं लगता है, पर शंकर का भी पाप जो शिव है वो करता है तो दोष लग जाता है, ऐसा क्यों? शिव विनाश करता है? अरे तो क्यों करे, तो क्यों करता तो नहीं है ना, ऐसा खंड पाए। शिव तो विनाश करता ही नहीं, शिव कल्याणकारी है, शिव का अर्थ क्या है? तो कल्याण ही कल्याण है सबका, और विनाश में तो थोड़ों का कल्याण है, सूर्यवंशियों का कल्याण है और बाकी सबका कल्याण ज्यादा है या कल्याण ज्यादा है? हाँ, कल्याण हो जाता है। और शिव तो अकल्याण करता ही नहीं। जो औरों का जो विनाश होता है वो भी कल्याण ही समझना चाहिए, लेकिन कुछ अकल्याण भी उनका हो गया या नहीं? तो ऐसे हम देह के तरफ से देखेंगे तो उसको अकल्याण मान सकते हैं, देह समझ कर देखेंगे। हाँ, तो उसको हम अच्छा, सतयुग कलयुग के अंत में जो आत्मा आएंगी 200 करोड़ कीड़े मकोड़ों में से, वो कल्याणकारी आत्माएं कहें या कल्याणकारी आत्माएं कहें? तो न्यूट्रल ही रहते हैं ना, उनका तो कुछ ये नहीं रहता कि जो 500 करोड़ होते हैं उनके उनमें हिस्से में तो आते ही नहीं, वो 200 तो कीड़े मकोड़े, मतलब उसका कुछ। वो कल्याणकारी की औलाद है या कल्याणकारियों की औलाद है? कल्याण। तो फिर इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ही कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी। वो बात तो सही है, तो कह रहे हैं कि जो और मतलब जो सूर्यवंशी के अलावा जो बाद में आते हैं, हाँ, तो उनका जो विनाश में जो उनका नाश होता है तो वो भी कल्याणकारी एक्ट ही समझना चाहिए। उतना कल्याणकारी नहीं है, उनका उतना कल्याण नहीं होता है जितना कल्याण बाप के डायरेक्ट बच्चों का होता है। जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं वो डायरेक्ट बाप से लेते हैं। अरबपति का बच्चा अरबपति से लेता है और करोड़पति का बच्चा करोड़पति से लेगा, लखपति का बच्चा लखपति से लेगा। तो जितना बड़ा बाप उतना बड़ी प्राप्ति कराएगा, ये है ही ऊंचते ऊंच बाप। तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भी कैसे ऊंचते ऊंच ठहरे। हाँ, पति और तमोपराम दोनों में फर्क क्या है? जो पहली आत्मा है जिसको मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं वो सबसे ज्यादा पतित है, या कलयुग के अंत में आने वाली आत्माएं सबसे ज्यादा पतित हैं? पहली आत्मा न, पहली हो या अंतिम हो, पहली अंतिम का सवाल नहीं। ज्यादा पतित कौन है? प्रजापिता ज्यादा पतित है। जो आए ही अंत में है वो परमधाम से डायरेक्ट आए हैं ना, तो वो पावन आए या पतित आए? उनके तो पतित बनने का, ज्यादा पतित बनने का मार्जिन ही नहीं है। जो जास्ती सुख भोगता है वो ही जास्ती पतित होता है। जो कम सुख भोगने वाली आत्माएं हैं वो कम पतित बनती हैं। और बाप को पतितों से घृणा है या पतितों को ही आकर के प्यार करता है? तो पतित को बाप पतित पने के रूप में नहीं देखता, क्योंकि जानता है कि ये दुनिया का सबसे जास्ती सुख भोगने वाले हैं। और बाप सुख का सागर है। तो किसके बच्चे हुए? सुख के सागर के बच्चे हुए। और आत्माएं जो हैं, वो सुख के सागर के बच्चे नहीं हैं। सुख स्वरूप नदियों के बच्चे हो सकते हैं, सुख सरोवरों के बच्चे हो सकते हैं, सुख रूपी नहरों के बच्चे हो सकते हैं, पोखरों के बच्चे हो सकते हैं, गड्ढे गड़ीचियों के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो तो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, दुख का सागर नहीं है। और मगर तमोप्रधान माना, तमोप्रधान भी सबसे जास्ती कौन बनता है? वो तमोप्रधान भी सबसे जास्ती बनता है। और जो आत्माएं कलयुग में, कलयुग के अंत में आती है, न ज्यादा तमोप्रधान बनती है, न ज्यादा सतोप्रधान बनती। कृष्ण की आत्मा है न ज्यादा सतोप्रधान बनती है और न ज्यादा तमोप्रधान बनती है, क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। जो क्राइस्ट के जीवन में है, वो सारी बातें कृष्ण के जीवन चरित्र से उठाई गई है। और बाबा मगर कृष्ण के साथ उतरेंगे तो जन्म में कृष्ण प्रजापिता है ना, शास्त्रों कैसा हो सकता है? शास्त्रों के कृष्ण की बात है या बाबा ने जो कृष्ण बताया है उसकी बातें है? शास्त्रों के कृष्ण फिर हाँ। और बाबा से बातचीत करने के लिए प्रश्न पूछता था, लेकिन बाबा को प्रश्नचित्त बच्चे, समस्या स्वरूप बच्चे पसंद नहीं है। बाबा ने 3000 सीडीज में सब कुछ दिया है और देता भी है। बाबा ये तो सब कुछ है, इसलिए नो मोर क्वेश्चन। जो भट्ठी करने के बाद पैदा होते ही सबसे जास्ती प्रश्न करते हैं, वो ही ये बात पूछेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? आदि सो अंत होता है। पैदा होते ही सबसे जास्ती प्रश्न किए, बातचीत करने के लिए। तो दो बातें हो गई ना। क्या दो बातें हो गई? एक बात होती है समझने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न होता है, और दूसरा प्रश्न होता है लड़ाई लड़ने के लिए। कोई बीके वाला आएगा यहाँ, भट्ठी नहीं किया हुआ होगा, और वो प्रश्न करना शुरू करेगा तो समझने के लिए करेगा या लड़ाई के लिए करेगा? लड़ाई के लिए करेगा, तो वो ठीक नहीं है। और बाबा सूर्य पुत्री आया और बाबा को जो कर गया हाँ। गंगा को बाबा ने सिर में बिठा दिया, लेकिन वो भी बाबा को दो करके चले गया हाँ। जगदम्बा भी बाबा को दो करके बाबा का कंट्रोल में नहीं हो गया हाँ। वो कृष्ण को बाबा ने मस्तक में बिठाया हाँ। लेकिन वो भी जंप करके चला गया। राम बाप है हाँ। कृष्ण बच्चा है हाँ। वही अब एक एक की बात पूछो। सबकी इकट्ठी मत पूछो। हाँ बोलो। राम बाप है, हाँ कृष्ण बच्चा है, कृष्ण बच्चा है, मैं सीताराम बाबू हूँ। हाँ मुझको जूते बनाकर अपने पाँव में सदाकल के लिए पहन लो। हाँ ये बुद्धि रूपी जूते से थप्पड़ मार देते, ये सभी कंट्रोल में आता है। हाँ क्या कहना क्या चाहते हैं, एक बात उठाओ ना। अब तुम तो ढेर सारी बातें बोल दी, कंट्रास्ट करना है तो एक एक का करो। हाँ मुझको अभी बात उठाई कि जो ज्ञान में आते हैं या एडवांस में आते हैं, उनमें गंगा को तो उठा के सर पे रख लिया, और जो शुरुआत में ज्ञान में आए एडवांस में आए वो पीछे रह गए। इस बात को हल करना है पहले। अरे चुप क्यों हो गए? क्योंकि जो पीछे आए हैं गंगा की तरह, वो पहले भी आ चुके हैं। जैसे गंगा पहले आई और सात्विक ज्ञान उठाया, बाद में सन्यासी हो गई। सन्यासी होने के बाद भी उसने पवित्रता को धारण किया या अपवित्र हो गई, इसलिए सर के ऊपर जाती है, अंत में आती है। लेकिन और शक्तियों के मुकाबले ज्यादा सर्विस करके दिखाती है या कम सर्विसेबल बनती है? तो ज्यादा जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बाप प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो गंगा को भी सर पर चढ़ा लिया। ऐसे ही कृष्ण की आत्मा, सारी पढ़ाई किसके लिए हो रही है? कृष्ण के लिए हो रही है। वो बच्चा बुद्धि आत्मा है संगम युग में। जब तक शरीर रहा तब तक भी बच्चा बुद्धि बनकर रही। शरीर छूटने के बाद भी समझने में और समझाने में टाइम लगता है या नहीं? टाइम लग जाता है। लेकिन जिस सेकंड ही उस आत्मा की बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाता है, तो ज्ञान संपूर्ण हो गया या आगे सुनाने की जरूरत है? संपूर्ण हो गया। वो ही संपूर्ण चंद्रमा फिर मस्तक पर नहीं बैठाया जाता। अधूरा चंद्रमा मस्तक पर बैठाया जाता है, क्योंकि बाप की आस रहती है बच्चे में। आस आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। फर्स्ट क्लास बच्चा है तो कृष्ण को चंद्रमा के रूप में मस्तक पर बिठाया हुआ है, और बहुत पावरफुल बच्चा है, क्योंकि बाप जानता है कि सृष्टि के आदि में यही बच्चा पहला पत्ता बनने वाला है, और यही मेरा बच्चा बनने वाला है। कि कोई दूसरा बनेगा है? तो बुद्धि में ये बात जब बैठ गई कि यही बच्चा मेरा बच्चा बनने वाला है, तो बाप उसके प्रति सारी ताकत लगाएगा या कम ताकत लगाएगा? और बच्चों के बारे में मालूम पड़ गया कि ये सब धोखेबाज हैं। क्या सब बाप को छोड़ के चले जाने वाले हैं? माया जब फाइनल पेपर लेगी तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। माया सब शक्तिवान है। बाप जानता है कि कृष्ण बच्चा सर्वशक्तिवान नहीं है। कौन सर्वशक्तिवान है? क्यों? क्योंकि माया पहले सरेंडर होती है। कृष्ण बच्चा सरेंडर होने की बात ही नहीं है। बच्चे तो बाप के घर के, बाप की मिल्कियत के मालिक होते हैं। उनको सरेंडर किया जाता है क्या? है नहीं, उसको सरेंडर करने की बात नहीं है। आज से ही बाप के मस्तक पर विराजमान है। बाप जानते हैं कि जब इस बच्चे की बुद्धि में बैठ जाएगा, जो भारत में हनुमान के रूप में गाया जाता है, जो भारत में बलराम के रूप में गाया जाता है, वो बच्चा मेरे जन्म जन्मांतर का साथी है। साथी है या नहीं है? साथी है। सतयुग के आदि में मेरा बच्चा है और त्रेता के आदि में मेरा बाप है। जन्म जन्मांतर का साथ है। तो ऐसी आत्मा को मस्तक पर उठा के रखेगा या नहीं रखेगा? कुछ करके दिखाया होगा ना। उस बच्चे की बुद्धि में जब तक नहीं बैठता, तो बाप दुनिया की किसी भी आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा पाता। क्या रावण के ऊपर जीत नहीं मिल पाती? जब वो बच्चा सहयोगी बनता है, जो हनुमान के रूप में गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। तब ही संसार में प्रत्यक्षता होती है बाप की। तो कौन सा बच्चा है वो? है जिसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाता है। वो समझ लेता है गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ ही है। तो संसार में वो बाप को प्रत्यक्ष कर देता है। तो ऐसे बच्चे को मस्तक में नहीं बैठाएंगे? है बैठाएंगे। हाँ, आदि में जो बच्चे बने थे, एडवांस ज्ञान के आदि में बच्चे तो बने थे, लेकिन थोड़े समय बच्चे बनने के बाद सारा एडवांस का पुरुषार्थ जब तक चलता रहा, तब तक विरोध ही बन करके रहे। आदि में सहयोगी, तो नियम क्या है? अंत में थोड़े समय के लिए सहयोगी बने। तो मस्तक पर बैठाए जाने योग्य है? अधूरा चंद्रमा ना, चंद्रमा थोड़ा सहयोगी थोड़ा ही बनता है। वो तो बाप का पूरा सहयोगी बनेगा। जो बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में। तो उस लिस्ट में कृष्ण की आत्मा नहीं है क्या? है या नहीं है? है। बाकी तो 8 नंबर वार हैं। जो 8 नंबर वार हैं, उनमें लिस्ट आती है स्थापनाकारी और पालनाकारी। फिर तीसरे कौन बचे? विनाशकारी। उन्होंने एडवांस में ज्ञान में आने के बावजूद भी ब्राह्मण बन करके ज्यादा लंबे समय तक विनाश का कार्य किया है, विनाश की सेवा की है। तोड़ने की सेवा की है या थमाने की सेवा की है? तोड़ने की सेवा की है। बाकी आदि में जोड़ने की थी सेवा की थी, छोड़ी। तो त्रेता युग की अंत की सीढ़ियों की राजाई, थोड़ी सी राजाई उनको मिल जाती है। उनको कहेंगे नष्ट देव। मकान बनाने वालों को ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए या तोड़ने वालों को ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए? बनाने वालों को ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए। तो उनको कैसे सर पर बैठा लेंगे? आठ को तो फिर भी सर पर बिठाते हैं। वो आठ की लिस्ट क्या है? जो आठ मण के जूड़े के ऊपर बैठाए जाते हैं गंगा के साथ, उनकी विशेषता ये है कि जब से एडवांस में आते हैं तब से लेकर के अंत तक की प्रत्यक्षता में बाप के तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से पूरे 100% सहयोगी बनकर देखने में आते हैं। वो कभी भी बाप का विरोध नहीं करते हैं। तो सर के ऊपर बैठने काबिल नहीं है क्या? है? और लोग शिवबाबा का इससे अंत तक शिवबाबा का आगे रहेगा। शिवबाबा का आदि से अंत तक बनकर रहेंगे। क्या रहे? शिव बाबा के बन के रहे। हाँ, वो शिव शक्ति मन बुद्धि से रहे या शरीर से रहे? दोनों में शिव शक्ति बोला जाता है। नहीं, तो शिव शक्ति, तो शिव की शक्ति आत्मा है या कि शरीर? आत्माभिमानी शिव की शक्ति है या देह अभिमानी शिव की शक्ति है? फिर और भक्ति में ये हरि भक्त और हर भक्त के हमेशा झगड़ा क्यों होते रहता है? हरि कृष्ण को कहा जाता है और हर शंकर को कहा जाता है। जो यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में झगड़ा है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों में झगड़ा है, वो ही झगड़े की यादगार जो है भक्ति मार्ग में शूटिंग में अभी जो चलता है, वो भक्ति मार्ग में शूट हो प्रैक्टिकल में चलता है। और आप तो परमधाम से आए हैं नीचे, तो परमधाम जगह खाली है क्या? परमधाम में ऐसा किसी ने पूछा मुझे, क्या परमधाम खाली नहीं होता है? बाबा अगर बाप नीचे आए हैं तो परमधाम में भी हैं, तो क्या राइट क्या है? अभी आत्माएं नहीं आ रही हैं। बाबा की सीट, बाप की सीट, शिव बाप की। शिव बाप तो आए, लेकिन और आत्माएं परमधाम में हैं या नहीं है? वो है के लिए कह रहे हैं ऊपर याद करें या नीचे याद करें, ऐसे कहते हैं। बाप अभी ऊपर बैठा है या नीचे आ गया है? जो नीचे आ गया तो नीचे याद करेंगे। प्रैक्टिकल में बाप किधर है? प्रैक्टिकल माने शरीर, तो शरीर के साथ प्रैक्टिकल में बाप कहाँ पार्ट बजा रहा है? तो प्रैक्टिकल में याद करेंगे तो फायदा होगा या परमधाम में याद करेंगे तो फायदा होगा? तो फायदा होगा। वो कहते वो दोनों जगह हैं बाप। कौन कहते? बीके में मैंने क्वेश्चन मुरली में क्या बोला है वो आपने नहीं सुना। मुरली में बोला है जो मेरे को परमधाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो आप अभी तक क्या थे? आप उनकी बात क्यों सुनते हैं देहधारियों की? हाँ, वो एक दिन आया उनको लेके गई मैं गया। वो देहधारियों की बात सुनना चाहिए या शिव बाबा की बात मुरली में सुनना चाहिए? शिव बाबा की बात सुनना चाहिए, बात खत्म। और बाबा आजकल ये अभी 3-4 महीने पहले ये 700 करोड़ का से भी ज्यादा हो गया, 750 करोड़ भी मुरली में बताया है। तो मतलब ये इसके अंत, मतलब ये अंत में जितना पॉपुलेशन या आबादी कितने तक हो, ये अंत में आबादी कितने तक बढ़ सकती है? एटमिक विनाश होने तक आबादी बढ़ती रहेगी 750 करोड़। वो तो बस आए और गए, 5-6 साल में हो जाएगा। आए 5-6 साल में? अभी तक तो 700 करोड़ तो पास हो गया। वो उनकी गिनती सही नहीं है, गिनती उनकी एक्यूरेट है या अंदाजिया भी होती है? तो आपने अंदाजिया गिनती है, एक्यूरेट गिनती नहीं है। और ओम शांति।